आज भी एक जिम्मेदारी निभाने आई। अच्छा, मान के लिए खाना लाई। कहाँ मान? अंदर कैबिन में। मैं भी आई। बाय बाय। बाय। गीत, तुम यहाँ? हाँ, अब मैं क्या करूँ? मेरा पति इतना भुलक्कड़ है कि काम काज में खाना पीना ही भूल जाता है, तो अब ऐसे में तो टिफिन लेकर पीछे पीछे घूमना ही पड़ेगा ना। याद भी करती हो तो मिर्ची लगा के। अच्छा, अगर मैं नाश्ता करना रोज भूल जाऊं तो तुम खाना ऐसे लेके आया करोगी? सिर्फ लाऊंगी नहीं, अपने हाथों से खिलाऊंगी। आइए बैठी 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 बैठी। हाँ हाँ, और सारा खाना मैंने बनाया तो प्लीज रहिएगा कि खाना अच्छा है। रोक क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने नहीं खाना खाया तुमने भी नहीं खाया होगा, और अगर तुम भूखी हो तो मैं कैसे खा सकता हूं? कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कंपनी में 51% का स्टेक मेरा है, 31% का स्टेक मिस्टर अर्जुन राठौड़ का है, और बाकी के शेयर्स आप लोगों के हैं। मैं US जा रहा हूं, वहां से इस कंपनी को ऑपरेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, और इसीलिए मैं अपना स्टेक बेच रहा हूं। आज मेरे शेयर्स की नीलामी होने वाली है, अगर आप लोग चाहें तो इस नीलामी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और होपफुली कल तक हमें एक नया MD भी मिल जाएगा, और नीलामी आज 2 बजे हेड ऑफिस में होगी, तो वहीं मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इन 51% में से मैं 20% शेयर्स भी खरीद लूं तो मैं यहाँ का मेजर शेयर होल्डर हो जाऊंगा, और फिर यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो जाऊंगा। इन अदर वर्ड्स, इस कंपनी का मालिक। इन्हें तो काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि बीपी ऑफिस आई है तो 2-5 मिनट उससे बात कर ले। लहरा गया होगा। मुझे पता है कि तुम्हारा लाल दुपट्टा गलती से हवा में लहरा गया होगा। अब एक काम करो, जाके घर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक यू, मगर मुझे आपकी थोड़ी देर में बहुत अच्छे से पता है। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं आपके साथ ही घर जाऊंगी। अच्छा, तो चुपचाप से यहीं बैठी रहो। अगर फिर से बदमाशी शुरू की ना तो काम में डिले हो जाएगा, और फिर हम दोनों घर लेट पहुंचेंगे। और हम दोनों घर लेट पहुंचेंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, काम किचन। मान, आप ये काम तो कल भी कर सकते हो ना? मेरा मतलब है पूरा स्टाफ इंतजार कर रहा है कि कब आपका काम खत्म हो और कब उनकी छुट्टी हो, है ना? मुझे तो तरस आता है उन बीवियों पर जो अपने पति का इंतजार कर रही होगी। वो छोटे 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 बच्चे जो अपने पापा का इंतजार कर रही होंगी। वो बूढ़ी माँ जो अपने बेटे का इंतजार कर रही होगी। मगर सब सब इंतजार कर रहे
कब मान सिंह खुराना का काम खत्म होगा और कब वो घर जाएंगे, है ना बाबा जी? अब मेरे कहने का मतलब है आपको यहाँ बैठकर काम करने का शौक थोड़ी ना है, है ना? आप तो कंपनी की तरक्की के लिए ये सब कर रहे Speak to Mr. Maan Khurana, please. मैं लंदन से ज्योत संधु बोल रहा हूँ। गीत फोन दो। आप काम कीजिए। जी, मैं मान सिंह खुराना की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। मिस्टर मान को फोन दीजिए। जी नहीं, वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, समझिए ना, अभी उनकी नई शादी हुई है और वो ना अपने हनीमून पर गए हैं। तो आप ना कल सुबह फोन कर दीजिए और मुझे बात कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। हेलो, कट गया। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो देखो, बाद में याद आ जाए ना तब कह देना। अब तो करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, काम खत्म और घर जाने का टाइम। चलिए, तुम देखो, चलिए चलिए चलिए। गीत, तुम क्लाइंट के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? वो भी लंदन से फोन आ रहा था। देखिए, दिन रात देखा नहीं, जब मन किया तब फोन कर देते वो लोग। अगर ऑफिस आज में फोन करते तो समझ भी सकते, लेकिन शाम को ऑफिस आज के बाद फोन करने की क्या जरूरत है? गीत, मैं कोई सरकारी ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी चला रहा हूँ। अगर ऐसी क्लाइंट के फोन तुम कट करती रही ना तो 4 दिन के अंदर मेरी कंपनी में ताला लग जाएगा। तो अच्छी बात है ना, फिर तो अच्छा। क्या हो रहा है? आप लोग घर से जाते तो झगड़ा करते, वापस आते तो झगड़ा करते, आप दोनों ने तो हद ही कर दी है। कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए बेटा, हम आपके रिश्ते में पड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हमें कोई इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा, और इलाज हमने ढूंढ लिया है। क्या? ये लीजिए। दादी माँ, ये क्या है? शिमला के लिए 2 टिकट्स हैं, आप दोनों अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। दादी माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऑफिस में बहुत सारा काम भी बाकी है और गीत को भी बहुत सारा काम करना है। हाँ दादी माँ, मैं इतनी जल्दी इतना सारा बाकी कैसे करूंगी? बस अब और कोई बहाना नहीं चलेगा, और अगर आप दोनों ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? अरे, हम कब से पैकिंग कर रहे हैं और आप दोनों खड़े खड़े हमारा चेहरा देख रहे हैं? अब तो लगता है कि एयरपोर्ट भी हमें सामान लेके जाना होगा। दादी माँ दीजिए, मैं पैक कर लेती हूँ। दादी माँ, हम थोड़ी दिनों के बाद चले जाते हैं, ऑफिस में बहुत सारा काम भी। एक बात कितनी बार कहेंगे मान, जब हमने कह दिया सो हमने कह दिया। और हाँ बेटा, गर्म कपड़े रखना भूलना मत, वहाँ पे बहुत ठंड होगी। देखिए दादी माँ, मैं क्या, और वहाँ पे लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है, अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप हमारे लिए एक लकड़ी का टेबल लैंप जरूर लेके आइएगा। और अगर मान ने आपको परेशान किया तो हमें फौरन फोन कर दीजिएगा। इसके आगे अगर एक लफ्ज भी कहा ना तो आपके शिमला के टिकट हम कैंसिल करवा के स्विट्जरलैंड के टिकट ले लेंगे, और वो भी 1 महीने के लिए। अब आप दोनों डिसाइड कर लीजिए, आपने कहाँ जाना है, शिमला या फिर स्विट्जरलैंड? वॉशरूम में जाके साफ कर। क्या
का सबसे अच्छा तरीका है कि उनका सामना करो, अपनी आंखें खोलो गीत, और अपनी जिंदगी का नया सच को देखो, और तुम्हारी जिंदगी का नया सच मैं हूं गीत, तुम्हारा मां, और तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी पुरानी यादों के लिए कोई जगह नहीं। जल्दी जल्दी मैं तो टिकट का प्रिंट आउट लाना ही भूल गया, लेकिन मेरे पास पैन नंबर है, मैं काउंटर से निकाल लूंगा। इतनी लंबी क्यों? फिर तो इंतजार करना होगा। गीत, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं, इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, आप वहां बैठिए, मैं प्रिंट आउट निकाल के आती हूँ। अरे सुन, पूरी बात तो सुन दीजिए। जब मैं अकेला था तब मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जब से तुम मेरी जिंदगी में आई तो इंतजार इंतजार नहीं लगता। चलिए, सुमन जी आप यहां बैठिए। बेटा मैं जरा भी आता हूं। सुमन जी लो पानी पी लो। आपको बिना कहे सब कुछ कैसे पता चल जाता है? अजी 40 साल का तजुर्बा है, आप भी तो कुछ कम नहीं है। मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करती हैं आप। आज अंकल को देखकर कितना अच्छा लगता है ना, इस उम्र में भी कितना प्यार करते, कितना समझते एक दूसरे को। अभी आप यहाँ जी गीत, इन दोनों को देखकर मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है जैसे हम लोग भी ऐसे ही रहेंगे, लोग भी जब इनके जैसे बूढ़े हो जाएंगे ना तब भी हमारा प्यार कम नहीं होगा, हम दोनों दूसरे का हाथ पकड़ के जिंदगी के बाहर साथ देंगे, है ना? यस सर। दो टिकट्स चाहिए शिमला की। वन सेकेंड। I'm sorry sir, flight complete lock है और कोई सीट खाली नहीं है। घबराओ मत सुमन जी, देखिए मिस हमारा शिमला जाना बहुत जरूरी है। हाँ। हमारा बेटा बीमार है, प्लीज कोई रास्ता निकालिए। हाँ। देखिए सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, पर मैं चाहते हुए भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रो मत सुमन जी। देखिए मिस, मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर आप कहे तो मैं आपके किसी सीनियर से बात करूं। सर से बात करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं है। हाँ अगर कोई अपनी सीट कैंसिल करवाता है तो आपका काम बन सकता है। हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए ना, देखिए ना आंटी कैसे रो रही है। अंकल आई एम सॉरी, हम लोग आपकी बात सुन रहे थे। एक्चुअली हम लोग भी शिमला जा रहे हैं, और आप लोगों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग का शिमला जाना बहुत जरूरी है, तो आप हमारी टिकट्स भी जा सकते हैं। मगर बेटा। अंकल हम भी तो आपके बच्चों की तरह ही है ना। बेटा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम तुम लोगों को क्या कहें। तुम दोनों इतने छोटे हो पर समझ तुम लोगों की इतनी बड़ी है। गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं टिकट लेके आता हूँ। पर बेटा आप लोग कैसे जाएंगे? आंटी हम अगली फ्लाइट ले लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए। खुश रहो बेटा। बेटा तुम भी खुश रहो। हमेशा दोनों खुश रहना बेटा। हमें शिमला जाने के लिए नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट चाहिए। आई एम सॉरी सर, इसके बाद शिमला की कोई फ्लाइट नहीं है, खराब मौसम की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या, पूरी रात एयरपोर्ट पे काटनी होगी, हनीमून की पहली रात वो भी एयरपोर्ट पे।
चली। कहाँ? मैं कह रही हूँ ना, बस चली। अरे सुन, चली चली। हमें किसी भी हाल में शिमला पहुंचना है। पर हम जा कहाँ रहेंगे? शिमला जा रहे बाबा। वो तो मुझे भी मालूम कि हम शिमला जा रहे हैं, पर कैसे और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, हम घर तो जा नहीं सकते क्योंकि घर घर गए तो दादी मामी मार डालेगी, और हम यहाँ कहीं ठहर नहीं सकते क्योंकि दादी माँ ने सारी बुकिंग की, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम शिमला नहीं पहुंचे। इसका मतलब हमारे पास बस एक ही रास्ता है शिमला तक पहुंचने का। वो क्या है? चलिए मैं बताती हूँ, जल्दी 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 चल। अरे आइए, आज ऑफिस में कुछ काम था क्या? बस घर पे बैठ के बोर हो रही थी तो मैंने सोचा ऑफिस आ जाती हूँ। वेरी गुड, अच्छा किया तुम आ गई। गाइस, आज हम लोग मस्ती करेंगे क्योंकि आज आपके बड़े भाई साहब यानी कि इस ऑफिस के एंग्री बॉस ऑफिस नहीं आएंगे। व्हाट? तो क्या आज मेरे हॉट हॉट बॉस ऑफिस नहीं आएंगे? नहीं आएंगे जी। अरे अर्जुन, मुझे अब भी मुझसे प्यार करते हो? ये लीजिए बेटे, आपके पर्ल के कलेक्शंस। आप कह रहे थे ना अपने साथ आप इन्हें शिमला ले जाएंगे। तुम जितना चाहे बदले की आग में जलो अर्जुन, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए जो प्यार देखा है उसे तुम कभी भी ना तो छुपा पाओगे ना ही मिटा पाओगे। और मैंने भी सोच लिया है तुम्हारी गलत फहमी को मिटाकर तुम्हारे गुस्से की आग को कैसे ठंडा करना है। आनी, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को क्या करना है। एक मिनट गाइस, मुझे तुम लोगों से एक हेल्प चाहिए। बोलो। लेकिन तुम सबको पहले प्रॉमिस करना होगा कि ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। मैं एंड कमिंग सर। या सर, आपके लिए गिफ्ट आया। ठीक है, मेरे लिए गिफ्ट अन्वेषा के अलावा और कौन भेज सकता है? जानती हूँ कि तुम ये सोचोगे कि अन्वेषा ने ये गिफ्ट तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए भेजा है। यही सोचोगे कि मैं तो इससे प्यार नहीं करती, फिर ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? एनीवेज, गिफ्ट खोल लो। खाली बॉक्स। यही बताना था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही घास पड़ी है गलत फहमी की। हेलो। यानी ये क्या मजाक है? Have you lost it? Why, Arjun? तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? Enough, Anvesha. मैं इस वक्त तुमसे कोई गेम्स खेलने के मूड में नहीं। अच्छा, एक बात सुनो। अपना गुस्सा जरा कम खर्च किया करो। अभी तो ऐसे और बहुत मौके आएंगे जहाँ तुम्हें इसको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।